हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल्स पे VS एजुकेशंस हब में। इन दिस वीडियो आई एम हियर टू डिस्कस द हिंदू एडिटोरियल्स की वोकैबुलरी एंड देन कोई भी करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज जिससे आपके MCQs फॉर्मेट में क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारी न्यूज इस वीडियो में अपन डिस्कशंस करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, रेगुलर क्लासेस होती है एवरी डे मॉर्निंग्स में, वोकैबुलरी, उसके सेंटेंस, उसके सिनोनिम्स क्या क्या है, सब कुछ डिस्कशंस होता है। और करंट अफेयर रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज बन सकती है वो न्यूज एंड देन इवनिंग्स में आपके क्वेश्चंस उन्हीं के बेसिस पे MCQs फॉर्मेट में मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करता हूँ हिंदी और इंग्लिश में। तो प्लीज़ पूरा सेशंस देखिएगा, कोई भी सेशंस अपलोड हो मेरे चैनल्स पे वह भी आप देखिएगा, क्योंकि आपके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। ओके, स्टार्ट करता हूँ सेशंस को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब करें, देन वीडियो को शेयर करें, एंड वीडियो अगर अच्छा लगे प्लीज़ 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 लाइक भी कर दीजिएगा। मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, बैंकिंग हो, SSC हो, रेलवे हो, इंग्लिश में आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, करंट अफेयर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल है। ओके, स्टार्ट करता हूँ सेशंस को। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, एक मैंने वीडियो अपलोड किया था संडे को, उसमें मैंने रिविजन्स किया था, लगभग 70+ वर्ड्स थे। लास्ट वीक में अपन ने जो भी वर्ड्स पढ़े थे उन सारों का एक साथ रिविजन्स है, आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट पूछे अच्छे वर्ड्स हैं, रिविजन्स हैं, उसको देखिएगा। PDF चाहिए तो उस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, सर हमको PDF चाहिए, मैं PDF भी आपको दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई PDF का चार्जेबल्स नहीं है, ये देख सकते हैं, कोई चार्जेबल्स नहीं है, आपको केवल पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, आपकी रिविजन्स के लिए दे रहा हूँ, कि अच्छे वर्ड से, अच्छे उसके सिनोनिम से, एग्जाम्स में आने लायक वर्ड से, प्लीज़ उसको देख जरूर लीजिएगा। ओके, मूविंग ऑन, चलते हैं आज के मोटिवेशन कोट पे। टुडे इज 31st of March 2020, आज मंथ का लास्ट डेज है, राइट। आप सभी का दिन मंगल में हो, आप सभी स्वस्थ रहें, सभी एकदम फैमिली में, अपने आस पड़ोस में, सभी में अवेयरनेस, एक तरह से कह सकते हैं जागृत कीजिए कि स्वस्थ रहिए, एकदम पढ़ते रहिए, बुक्स पढ़िए, टीवी देखिए, मोबाइल चलाइए, जो कुछ भी हो सकता है, बट बाहर मत निकलिए, राइट। मोटिवेशन कोड क्या कहती है, देखिए, डोंट रेज योर वॉइस, इम्प्रूव योर आर्ग्यूमेंट, यानी कि अपनी आवाज़ ना उठाएं, अपने तर्क में सुधार करें, यानी कि जो आपकी बहुत से, एक तरह से कह सकते हैं, चिल्ला चिल्ला कर ऐसी चीज़ें बताते हैं कि कोशिश करते हैं कि उनकी बात सुनी जाए, नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। आपके तर्क, आपके आर्ग्यूमेंट में दम होगा तो आपकी बात जरूर सुनी जाएगी। ये कब आएगा, जब आप स्टडी करेंगे, जब आप अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, राइट, जब आप अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे, बुक्स रीडिंग करेंगे, राइट, तभी आपके आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छे हो सकते हैं, तभी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी हो सकती है। ओके, आपको नॉलेज होना चाहिए पार्टिकुलर किसी भी टॉपिक पे बात करने का, किसी की, ये कब आएगा, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर एवरीडे आप रीडिंग करेंगे, आपको खुद को पता चलेगा कि हाँ आपके तर्क बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, चाहे इंग्लिश हो, चाहे न्यूज़पेपर्स, हिंदी न्यूज़पेपर्स हो, पढ़िए बिल्कुल अच्छी तरीके से, आपके तर्क में दम होना चाहिए, आपकी आवाज़ नहीं में कोई दम नहीं होना चाहिए, राइट। आवाज़ भले आपकी कम हो, बट आपका तर्क अच्छा है तो गारंटी है वहाँ पर कुछ भी पर्सन हो, आप कहीं से चर्चा करते हो तो आपकी आवाज़ जरूर सुनी जाएगी। ओके, आइए चलते हैं अपन आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने है स्क्रीन पे, देखिए, फर्स्ट न्यूज है आपके सामने, फिच सॉल्यूशंस कट्स इंडिया फाइनेंशियल्स ईयर 21 GDP ग्रोथ फोरकास्ट, फोरकास्ट यानी कि प्रिडिक्ट करना, अनुमान लगाना, राइट, 4.6%, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग एस्पिरेंट्स प्लीज लिसन टू केयरफुली माय डियर एस्पिरेंट्स, 4.6% आपकी फिच ने ये रेटिंग दे दी है, राइट, आपको मालूम है कोरोना वायरस इफेक्ट है उनके बेसिस पे। क्रिस्टल्स ने अभी रेट ज्ञात की थी 3.5%, क्रिस्टल्स ने फाइंड आउट की थी। ओके, मूडीज ने फाइंड आउट कर दिया, माय डियर स्टूडेंट्स, 2.5% मूडीज ने फाइंड आउट कर दिए, याद रखिएगा। और RBI
आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है माय डियर रेस्पॉन्स, उन्होंने 6% अभी तक ग्रोथ उनकी है। ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस आपकी ग्रोथ के बेसिस पे पूछता है, प्लीज़ इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। फिच की आपकी 4.6%, क्रिसल्स की आपकी 3.5%, एंड मूडीज की आपकी 2.5%, ओके, और आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि उसकी 6%, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये द हिंदू के नहीं है माय डियर रेस्पॉन्स, मैं आपको बता दूं, ये फाइनेंशियल्स एक्सप्रेस की आज की न्यूज़ है, आज की इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स एक्सप्रेस आपको पढ़ना चाहिए। मैंने पढ़ा, मेरे को लगा ये इंपॉर्टेंट थी तो मैं आपके साथ डिस्कशंस कर रहा हूँ, ओके। एडीबी टू इन्वेस्ट $100 million इन इंडियन इंफ्रा विया NIIF, राइट। एडीबी जो एशियंस डेवलपमेंट बैंक है माय डियर रेस्पॉन्स, वन सेकंड, देखिए जो एशियंस डेवलपमेंट बैंक है, राइट, उन्होंने इन्वेस्ट किया है इंडिया की कंपनी, राइट, इंडिया की जो आपकी NIIF है, NIIF, राइट, इट मीन्स हो गया नेशनल्स इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स फंड, नेशनल्स इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स फंड, ये याद रखिएगा। इसका मैं आपको बता देता हूँ डिटेल्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा। ये वेल्थ सिस्टम्स, जो इंडिया का पूरा वेल्थ सिस्टम्स है उनको देखता है, राइट, उनको हैंडल्स करता है, उनके ऊपर फंड बेसिस पे, अभी मालूम है आपको वेल्थ की कंडीशंस कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, राइट, तो उसी को एक तरह से करता है, कंडक्ट करता है। तो देखिए इसका हेडक्वार्टर है नेशनल्स इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स फंड, पहले नाम याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे महाराष्ट्र, राइट, बॉम्बे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। सीईओ, इसके सीईओ है सुजोई बॉस, राइट, सुजोई बॉस इसके सीईओ है। इसका फाउंडेशन ईयर 2015 है, राइट, 2015 इसका फाउंडेशन ईयर है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एंड आपको डायरेक्टर पूछे यानी कि निदेशक पूछे तो प्रशांत राय, राइट, प्रकाश रॉय, राइट, ये इसके डायरेक्टर है, प्रकाश राय या प्रशांत राय दोनों में कन्फ्यूजन है, आप देख लीजिएगा। इट मीन्स डायरेक्टर का भी पूछता नहीं है, यहाँ तक आपको सीईओ तक पूछ सकता है, राइट, सीईओ पूछ सकता है या हेडक्वार्टर पूछ सकता है या फाउंडेशन ईयर पूछ सकता है, तीन चीज में से एक चीज तो गारंटी पूछेगा, ओके। मैंने बता दिया इसका पर्पज क्या है, इंडिया में जो वेल्थ सिस्टम्स हैं उनके ऊपर, यानी कि ये पूरा हैंडओवर एक तरह से हैंडल करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत की सरकार है उसको, ओके, इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। मेन चीज एडीबी, देखिए एशियंस डेवलपमेंट बैंक, जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स है प्लीज़ लिसन टू केयरफुली, इसका हेडक्वार्टर आपके फिलीपींस में अभी ही फाइनेंशियल्स इमरजेंसी लगी है, राइट, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेगा, राइट, तो उसी के बेसिस पे एडीबी आपकी जो अलग अलग जो वहाँ पे संस्थान होती है उनको आपकी जो फंड्स प्रोवाइड करना, राहत की आपदा हो उसके बेसिस पे फंड प्रोवाइड करना, तो इसका काम एडीबी का काम है, एशियंस डेवलपमेंट बैंक, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ही उनका फंड एक तरह से अलाउड करना, ये एडीबी का ही काम है, ओके, तो प्लीज़ इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, हेडक्वार्टर आपको पूछ सकता है, क्लियर हुआ। तो भारत को अभी एनआईएफ इट मीन्स नेशनल्स इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स फंड को एक तरह से $100 million एडीबी की तरफ से मिले हैं, प्लीज इस चीज को नोट कीजिएगा। मूविंग ऑन चलता हूँ आज की आर्टिकल्स पे, देखिए फर्स्ट आर्टिकल्स आपके सामने हैं, ये आपका फर्स्ट आर्टिकल्स है, शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक, एंड सेकंड आर्टिकल्स ये, राइट, ये फर्स्ट है, सेकंड ये है, अनयूजुअली इनएप्ट, राइट, देखिए ये आर्टिकल्स रिलेटेड है आपकी जो माइग्रेंट्स वर्कर्स हैं, राइट, जो मजदूर वर्ग हैं, राइट, जो उनकी जीविकोपार्जन के लिए अलग अलग देशों में आपको मालूम होगा नियरली लगभग 1 week आपके लॉकडाउन का हो गया है, राइट, तो उसी के बेसिस पे वहाँ की जो वर्कर्स थे अलग अलग देशों में, जैसे राजस्थान के वर्कर्स बॉम्बे में, अहमदाबाद में, जैसे दिल्ली में काम करते हैं, राइट, हरियाणा के वर्कर्स, पंजाब के वर्कर्स, इस टाइप के जो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग स्टेट्स में काम करते थे, तो उनकी बेसिस पे ये चीज़ की गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले सकती है, इसके बेसिस पे इनके निवारण के लिए, इनकी जीविकोपार्जन के लिए क्या स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा उठाए जा सकते हैं, तो दैट इज़ द, ये इससे रिलेटेड पूरा का पूरा आर्टिकल्स है, आप पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, गारंटी है,
ओके फिर भी कोई भी डाउट्स रहता है, अच्छा आर्टिकल्स है आप पढ़िएगा, डाउट्स रहता है तो मैं आपको बता दूंगा, बट वोकेबलरी में कोई डाउट्स नहीं रहेगा क्योंकि मैंने वोकेबलरी सारी इसकी निकाल ली है। सेकंड आर्टिकल से अनयूजुअली इनेप्ट, माय डियर स्टूडेंट्स दिस आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू US यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका है, उसी से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं और किससे हैं, COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस से रिलेटेड है। किस स्पेसिफिक केसेस इंक्रीजिंग हो रहे हैं, चाइना से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा अमेरिका में इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसी के बेसिस पे इस आर्टिकल्स में वहाँ पर कंपेरिजन, वहाँ की जो प्रेजिडेंट एक तरह से राष्ट्रपति हैं वो क्यों नहीं ध्यान दे रहे इस पर्टिकुलर थिंग्स का। राइट, देखिए वहाँ के ऐसे आपको मालूम होगा इलेक्शंस जा रहे हैं तो इस बेसिस पर लॉकडाउन करना अमेरिका के लिए खतरा बन सकता है क्योंकि इलेक्शंस नियरिस्ट हैं। ओके, तो उसी के बेसिस पे ये चीज़ हो रही है पर्टिकुलर आर्टिकल्स में, वहाँ पे जो फैक्ट के साथ दिया हुआ है कि इतने इतने इंक्रीज हुए हैं, इतने इतने डिक्रीज हुए हैं, चाइना से कंपेयर भी किया हुआ है फैक्ट के साथ। आप पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा, बट अपने वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है, अपन वोकैबुलरी पे चलते हैं। देखिए एंड बिफोर दैट माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपको लगा कि बहुत ही अच्छा सेशन से कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सेशन को जरूर लाइक करें। ओके, अगर शेयर नहीं किया है प्लीज़ शेयर कर दें। ओके, एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल्स को तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। प्लीज़ प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। ओके, मूविंग ऑन चलते हैं वोकैबुलरी पे। फर्स्ट वर्ड्स आपके सामने है, इट मीन्स एक्सोडस। एक्सोडस इट मीन्स एक्जेक्टिव रूल्स यानी कि इवोकेशन समथिंग राइट, जिसको आप कह सकते हैं निकासी। राइट, निष्कासंस निकाल देना, विड्रोल समथिंग। राइट, निकासी मैंने हिंदी पे लिख दिया, विड्रोल्स मैंने बता दिया आपको, ये इसके सिनोनिम्स हैं। सेंटेंस देखिए, देयर हैज बीन मास एक्सोडस ऑफ डेली वर्कर्स फ्रॉम सिटी टू विलेज। ओके, नेक्स्ट आपका स्टैंडर्ड, इट मीन्स एडजेक्टिव रूल्स का याद कर लीजिएगा, फोरलॉन समथिंग, स्टैंडर्ड फोरलॉन समथिंग, ये वर्ड्स तो मैं करवा चुका हूँ, आई होप यू रिमेंबर दिस। इसका मतलब होता है फोरलॉन स्टैंडर्ड, जिसको एक तरह से कह सकते हैं फंसना। राइट, फंसे होना। राइट, फंसना, किसी का आश्रय, जिसको आप कह सकते हैं हिंदी में आश्रय समथिंग। राइट, वहां पर अपन यूज कर सकते हैं। सेंटेंस देखिए, वी वर लेफ्ट स्ट्रैंडेड व्हेन आवर कार ब्रोक डाउन इन द माउंटेन्स। ओके, सबोटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट मीन्स डिसअरे एंड हार्म समथिंग। सबोटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट मीन्स किसी को तोड़ फोड़ कर देना, भंग कर देना। राइट, तोड़ फोड़ टाइप होना, उसको कहते हैं सबोटेज। ओके, एग्जाम्पल देखिए, द टेररिस्ट वर प्लानिंग एक्ट ऑफ सबोटेज टू डिस्टेबलाइज द कंट्रीज। राइट, दैट इज द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस वर्ड्स। क्लियर हुआ, समझ में आया है यहाँ तक? यहाँ सर हमको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक बटन पर जरूर प्रेस करें एंड शेयर जरूर कर दें, कोई भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंटेंटमेंट, इट मीन्स आपकी नाउन के थ्रू था एरियंस एंड रिस्ट्रिक्शंस लिमिटेशंस, जो आपकी रोकथाम हो, स्टॉप समथिंग। राइट, इट्स कॉल बी कंटेंटमेंट। ओके, एग्जाम्स में पूछ सकता है ये वर्ड्स। फॉर कंटेंटमेंट ऑफ द एपेडेमिक कोहेजन्स ऑफ द वर्ल्ड्स कंट्री इज नेसेसरी। राइट, जो एक एपेडेमिक है, जो एक महामारी है, एक उसको रोकने के लिए ऑल ओवर नेसेसरी, ऑल ओवर कंट्रीज में, ऑल ओवर वर्ल्ड्स में बहुत ही आवश्यक है उसको रोकना। ओके, फेंड, इट मीन्स प्रिवेंट एंड इनहेबिट, इट मीन्स जिसको आप कह सकते हैं प्रिवेंट, प्रतिबंध समथिंग, रोक समथिंग। राइट, द मिनिस्टर्स हैड टू फेंड ऑफ सम्स अवाक अवेकवर्ड क्वेश्चंस फ्रॉम रिपोर्टर्स। राइट, नेक्स्ट आपका कॉलिड्रंस, कॉलिड्रंस इट मीन्स कैटल समथिंग। राइट, वेसल समथिंग, जो बहुत बड़ा सामग्री होता है ना वहाँ पर, इसमें देखिए मैरिज हॉल में, शादी में, इस टाइप से बहुत बड़े में जैसे खाना बनता है ना, उस खाने में जो खाना बनता है ना उस पात्र में, उसको आप बोल सकते हैं कॉलिड्रंस, बहुत बड़ा, जिसको कैटल्स वेसल्स जो पात्र होता है ना उसको कहते हैं। सेंटेंस देखिए, द स्टेडियम्स वॉज अ सीटिंग कॉल्ड्रम्स ऑफ इमोशंस। राइट, दैट इज द एग्जाम्पल्स। समझ में आया कि हाँ सर हमको समझ में आए सारे वर्ड्स? सिक्स वर्ड्स आपके कंप्लीट हुए। वर्ड्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं कि हाँ सर हमको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में डन लिख के बताएं। ओके,
नेक्स्ट पे चलते हैं. इम्पेंड इट मीन्स डेंगल्स एंड हैंग समथिंग, यानी कि लटका देना, इट्स कॉल्ड बी इम्पेंड. वर्ग की तरह याद कर लीजिएगा. ओके, नेक्स्ट आपका है इंटैक्टमेंट, इट मीन्स स्टिग्मा एंड इम्प्यूटेशन समथिंग, राइट. इंटैक्टमेंट यानी कि कलंक लगा देना, राइट. वहां पर अपन यूज कर सकते हैं इंटैक्टमेंट. ओके, स्टिग्मा एंड इम्प्यूटेशन इज द सिनोनिम्स ऑफ इंटैक्टमेंट. ओके, द मर्डर वॉज हेल्ड टू अपियर फॉर ट्रायल्स ऑन एन इंटैक्टमेंट. ओके, नेक्स्ट आपका है सरपाश, इट मीन्स आउटरीच एंड सरमाउंट समथिंग, राइट. किसी की सरपास कर देना, राइट, आगे बढ़ना, एक्सीड समथिंग, वहां पर भी यूज कर सकते हैं सरपास. ओके, ही होप्स वन डे टू सरपास द वर्ल्ड रिकॉर्ड. ओके, दैट इज द एग्जांपल्स. क्लियर हुआ, समझ में आया कि हाँ सर हमको समझ में आया, अच्छा भी लगा, तो प्लीज बताइएगा. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका कॉन्ग्रुएट, कॉन्ग्रीगेट इट मीन्स क्यूमुलेट समथिंग, राइट. एकत्रित करना, इकट्ठा होना, इट मीन्स कलेक्टिंग समथिंग, वहां पर अपन यूज कर सकते हैं कॉन्ग्रुएट. एग्जांपल देखिए, क्राउड कॉन्ग्रुएट अराउंड द एंट्रेंस टू द थ्रेट. ओके, थ्रेटर. Discretions, it means sagacity something, बहुत ही important है discretions. Exams में ऐसा questions, ऐसा words आपको पूछ सकता है discretions. आई यू एन जिनके भी पीछे हो वो लोग वर्ड्स आर नाउन. ओके, द अवार्ड्स आर मेड एट द discretions ऑफ द कमेटी, राइट. कोहिजन्स इट मीन्स सॉलिडिटी समथिंग, राइट. कोहिजन सॉलिडिटी, एकजुटता, एक रूप से किसी डिसीजन पे जाना, इट्स कॉल बी कोहिजन्स. एग्जाम्स में पूछ सकता है वर्ड्स, प्लीज नोट कर लीजिएगा इस वर्ड्स को. ओके, सेंटेंस देखिए, कोहिजन्स ऑफ ऑल द स्टेट्स कैन बी गुड फॉर आर गवर्नमेंट. ओके, दैट इज द वर्ड्स, दैट इज द सेंटेंस. क्लियर हुआ, यहाँ तक लगा कि समझ में आया, अच्छे लगे इस वर्ड्स, आपको कुछ भी आप सीखा है, 10% भी आप सीख पाए, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि स्टूडेंट तक पहुँचे, मेरा मोटिवेशन भी इंक्रीज हो, उनकी भी हेल्प हो पाए. सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें. ओके, आइए वन बाई वन वर्ड्स रिविजन करते हैं. जो भी वर्ड्स अपन ने पढ़े हैं पूरे वीडियो में, वो एक साथ अपन रिविजन करेंगे एक ही स्क्रीन में. देखिए, फर्स्ट वर्ड्स आपके सामने एक्सोडस, इट मीन्स इवोकेशंस, निष्कासंस, निकाल देना, विड्रॉल समथिंग, उसको कहते हैं. नेक्स्ट आपका स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फॉलोन समथिंग, फसना, आश्रय देना, स्थान, जिसको कह सकते हैं, इट्स कॉल्ड बी स्टैंडर्ड. सबोटेज इट मीन्स हार्म समथिंग, तोड़ फोड़, भंग, जिसको एकदम कह सकते हैं, डिसअरे, हार्म, मैंने सिनोनिम्स लिखे हैं. नेक्स्ट आपका है कंटेनमेंट, इट मीन्स रीजंस एंड रिस्ट्रिक्शंस समथिंग, लिमिटेशंस, राइट, एकदम उसको कह सकते हैं कंटेनमेंट. ओके, नेक्स्ट आपका फंड, इट मीन्स प्रिवेंट एंड इनहेबिट समथिंग, रोक लगा देना, राइट, वहां पर अपन यूज कर सकते हैं फंड. ओके, एग्जाम्स में पूछा गया वर्ड्स है, ये वर्ड्स आपकी क्लोज टेस्ट हो गया, फिलर्स में बहुत पूछता है फंड. ओके, कॉलिड्रम, कॉलिड्रम इट मीन्स केटल्स एंड वेसल्स, जो बहुत बड़ा पात्र हो उसको कहते हैं कॉलिड्रम. ओके, इम्पेंड इट मीन्स टेंगल्स एंड हैंग समथिंग, लटका देना हो उसको कॉल्स, इट्स कॉल्ड बी इम्पेंड. ओके, नेक्स्ट आपका इंडेक्टमेंट, इट मीन्स स्टिग्मा एंड इम्प्यूटेशन समथिंग. देखिए, ऐसा वर्ड्स जिसको कह सकते हैं कलंक लगा देना, राइट, बट एक तरह से उसके ऊपर इंडेक्टमेंट, स्टिग्मा एंड इम्प्यूटेशन इज द सिनोनिम्स ऑफ इंडेक्टमेंट. नेक्स्ट देखिए, सरपास इट मीन्स आउटरीच, सरमाउंट, किसी को एक्सीड कर देना, आगे बढ़ जाना, इट्स कॉल्ड बी सरपास. नेक्स्ट आपका है कॉन्ग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट इट मीन्स क्यूमुलेटिव समथिंग, कलेक्ट समथिंग, इकट्ठा आप लिख सकते हैं, राइट, इकट्ठा हिंदी में लिखना चाहिए तो इकट्ठा लिख सकते हैं, संग्रहित लिख सकते हैं, वहां पर अपन यूज कर सकते हैं कॉन्ग्रीगेट. ओके, नेक्स्ट आपका है डिस्क्रिएशंस, डिस्क्रिएशंस इट मीन्स सेगेसिटी समथिंग, एग्जाम्स में पूछा गया वर्ड्स है, नाउन की जरूरत है, याद कर लीजिएगा. नेक्स्ट आपका है कोहिजन्स, इट मीन्स सॉलिडिटी समथिंग, एकरूपता, एकजुटता, इट्स कॉल्ड बी कोहिजन्स, नाउन की तरह याद कर लीजिएगा. ओके,
तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जब भी टाइम मिले तो स्क्रीनशॉट निकाला, रिविजन्स कर लिया। सेंटेंस देखना है तो वीडियो आप देख सकते हैं। आप भी सेंटेंस क्रिएट करें, अच्छे लेवल पर सेंटेंस क्रिएट करें कमेंट बॉक्स में, तो गारंटी है आप इंग्लिश में अच्छा कर पाएंगे। ओके, तो एंड अप करता हूँ सेशंस को। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वोकैबुलरी वर्ड्स, इफ़ यू लाइक द माय एफर्ट्स, तो प्लीज़ माय डियर एस्पिरेंट्स एक बार जरूर लाइक कीजिएगा कि हाँ सर अच्छा लगा, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक द बटन एंड शेयर द बटन प्लीज़, एंड सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब। ओके, कमेंट बॉक्स में कोई भी आपका डाउट हो तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, एंड अप करता हूँ सेशंस को। एंड बिफोर दैट माय डियर एस्पिरेंट्स, प्लीज़ स्टे योर होम, पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। एंड जो भी आप पढ़ने के इच्छुक हैं उसके बेसिस पे आप अपनी रीडिंग कीजिए। ओके, जो आप इंटरेस्टेड हैं उसमें, लेकिन बट घर से बाहर आपको नहीं निकलना है, घर पे ही आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।